अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM Academy ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं, और ये कोर्सेस हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM Academy ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों का जबरदस्त कोट है, छोटा सा है लेकिन कितना मीनिंगफुल है कि ऑल वी हैव इज नाउ। मतलब क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी है बस अभी है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा टालते रहते हैं कि यार कल से पढ़ाई कल से करेंगे, कल से एकदम सीरियस पढ़ाई होगी, टाइम टेबल कल से बनाएंगे। क्यों अभी से नहीं? अगर आप 2 बजे टाइम टेबल बना रहे हो, क्यों 3 बजे से आप टाइम टेबल जो है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो? क्यों आप पढ़ाई जो है वो कल पर टालते हो? कल कभी नहीं आता है। हमारे पास जो कुछ है वो आज है, अभी है, इसी वक्त है। अभी अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे, अभी अगर आप अमल नहीं करोगे उस पर, तो आप कल भी नहीं करने वाले, आप परसों भी नहीं करने वाले, आप कभी नहीं करने वाले हो। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जो टालते रहता है वो हमेशा टालते ही रह जाता है। इसीलिए कभी भी आपको कुछ अचीव करना है तो अभी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आज से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कल से आप कभी शुरुआत नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आज हम 30 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल से इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पहले आ रहा है, तो इसमें आपको माउंटेन रेंज जो है इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है, ये आप ज़रूर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन जो है उसके आर्टिकल्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। अब EIA जो ड्राफ्ट है ये हमने कौन बनेगा आय सीरीज़ में कवर किया है, कौन बनेगा आय सीरीज़ में, मैंने इस पर क्वेश्चन पूछा था और इसके जो जवाब है उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की थी। तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। टिकटॉक और उसी तरीके के जो बाकी ऐप्स है चाइनीज़ ऐप, उन पर बैन लगा दिया गया है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे समझेंगे। उसी के साथ साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और कराची अटैक के पीछे क्या है, इस पर भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और भी आर्टिकल्स है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमेसी जो है गालवान के बाद, इस पर हम नज़र डालेंगे। तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स काफ़ी पॉलिटिकल है जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन पर हम नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर आ रहा है ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर EIA नॉर्म्स जो है उसका जो ड्राफ्टिंग है, मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका जो ड्राफ्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए COVID-19 इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ है, जो पब्लिकेशन है ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2020 का, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जब यहाँ पर क्या हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब क्या होता है कि सरकार जो है वो फीडबैक भी मांगती है, बट ऑब्वियसली हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही है उसके बारे में कुछ फीडबैक जो है वो देखा जाता है कि ये सही है, क्या गलत है, क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
और जो फीडबैक यहाँ पर मांगा गया था तो कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने ये बोला कि इसमें थोड़ा हम एक्सटेंशन लेते हैं, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जो फीडबैक है उसमें वक्त लग जाएगा, तो इस तरीके से थोड़ा इसमें एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। अब देखिए, सिग्नेटरी है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 ऑन एनवायरमेंट। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 का। अब यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहना ही रहना चाहिए। इसी के तहत जो इंडिया है उसने यहाँ पर एनैक्ट किए थे कुछ लॉज, जिससे कि वाटर को कंट्रोल किया जा सके, एयर को कंट्रोल किया जा सके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, जो भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर हुआ था 1984 में, तो उसके बाद यहाँ पर कंट्री जो है उसने अम्ब्रेला एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लेकर आ गया 1986 में। अब यहाँ पर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके तहत इंडिया ने नोटिफाई किया अपना पहला EIA नॉर्म 1994 में। तो देखिए ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो यहाँ पर हमें ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है 2020 का, ये एनवायरमेंट जो EIA नॉर्म है इसका जो हमें देखने को मिल रहा है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो ये जो चीज़ है हमें पहला एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है नॉर्म ये हमें 1994 में देखने को मिलता है, जिसने लीगल फ्रेमवर्क जो है वो लेकर आया, जिससे कि जो भी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसे एक्सेस करें, यूटिलाइज करें, और उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर पोल्यूशन होता है तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये रेगुलेट की जा सके। नहीं तो क्या होगा कि चलो भैया हम यहाँ पर रिसोर्सेज जो है उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो भी करते रहेंगे, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे। हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इसे यहाँ पर रिक्वायर होता है कि वो EIA प्रोसेस जो है उसके थ्रू गुजरे, जिसके वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है यहाँ पर ऑब्टेन करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो अगर वो इंडस्ट्री कुछ पोल्यूट करती है, कुछ वाटर रिसोर्स को पोल्यूट करती है, कुछ एयर पोल्यूशन को पोल्यूट करती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लियरेंस जो है मुझे लेना पड़ेगा कितना वो पोल्यूट करती है, कितना उसमें ये होगा। तो हर चीज़ में, मतलब अगर आपको कोई सेटल भी करना है, कोई इंडस्ट्री अगर फैक्ट्री ओपन करनी है, उसमें कितना फॉरेस्ट लैंड जो है वो आप यहाँ पर लेना चाह रहे हो, है ना, कितना फॉरेस्ट जो है वो कट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी उसमें देखी जाती है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा हैम्पर नहीं होता है, तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है और तब जाकर आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर डेवलप करना है तो आप कर सकते हो। 1994 जो नोटिफिकेशन था उसने रिप्लेस किया था विद इन मॉडिफाइड ड्राफ्ट इन 2006, ठीक है, इसे 2006 में और मॉडिफाई करके यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है उसने रीड्राफ्ट किया है इसे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या किया है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो सेफगार्ड है एनवायरनमेंट के वो लाने की कोशिश की जा रही है EIA प्रोसेस के लिए। मतलब यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा नहीं रखते हो कि किसे यहाँ पर दिया जा रहा है, कौन से बेसिस पर दिया जा रहा है, ये यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का लैक रहने की वजह से यहाँ पर जो क्लियरेंस कंडीशन है वो कम्प्लीटली मीनिंगलेस हो जाती है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, पीरियडिक अमेंडमेंट जो है वो एक कैटेगरी को एग्जाम करते हैं, दूसरी यहाँ पर लेकर आते हैं, स्क्रूटिनिटी अलग तरीके से हो जाती है, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डेवलपर जो है वो कंप्लेंट करते हैं कि EIA रिजीम जो है ये यहाँ पर लिबरलाइजेशन के स्पिरिट को हैम्पर करता है, यहाँ पर रेड टेप और रेंट सीकिंग जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। मतलब सोचिए कि आपको अगर कोई भी फैक्ट्री ओपन करना है, हमारे पास क्या है आर्टिकल 19 के हिसाब से आप कोई भी बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हो। अब अगर आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे पेपर वर्क में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनिटी के साथ गुजरती है, तो इसके वजह से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। मतलब आप सोचिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर FDI ज़्यादा आना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा FDI आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जब आता है तो आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट बोल तो दिया जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर होने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इतना पेपर वर्क होता है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा पेपर वर्क होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले हो जाते हैं। इसीलिए भले यहाँ पर हमें जो शब्दों में देखने को मिलता हो कि बहुत FDI आ रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ पर पैसा आ जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत सुधर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इतना ज़्यादा क्लियरेंस रहने की वजह से
ये काफ़ी डिले होता जाता है और ये होता ही नहीं है, और इतना डिले होने की वजह से जो FDI कर रहे हैं उनका भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो दूसरी जो कंट्री है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमसे ना हो पाएगा, हम दूसरी कंट्री में यहाँ पर ओपन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वहाँ पर कम से कम हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब यही जो है UPA 2 रूल जो था उस दौरान प्रोजेक्ट क्लियरेंस में डिले हो रहा था और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था जो इलेक्शन हुआ था उसके लिए। अब यहाँ पर हम 2020 का ड्राफ्ट देखते हैं तो कोई भी रेमेडी जो है प्रोवाइड नहीं करता है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड EI प्रोसेस पर। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये यहाँ पर लिमिट ही करती जाती है जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होना है उस पर। अब जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी पर बेस्ड होते हैं वो नेचुरली यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंसिडर किए जाते हैं, गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टैग मिल जाता है कि भैया हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और हमने ये इकोनॉमिक सर्वे में देखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका हस्तक्षेप होगा, जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा वहाँ वहाँ पर हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर हमें वेल्थ क्रिएशन करना है तो गवर्नमेंट जो है उनका यहाँ पर हस्तक्षेप, उनका इंटरफेरेंस जो है वो कम होना चाहिए। इंटरफेरेंस जो है वो कम होने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बढ़नी चाहिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ना कि कौन से बेसिस पर आप किसी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हो, कौन से बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो उन्हें अप्रूवल दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब इस तरीके के जो भी जो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी इंक्लूडेड है वहाँ पर सीधे तरीके से बोला जाता है कि 2020 का ड्राफ्ट जो है बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाले जाएंगे। और उसी के साथ साथ ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है उस पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर गवर्नमेंट बोलती है ना तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो ड्राफ्ट है ये ऐसी लॉन्ग लिस्ट बताता है प्रोजेक्ट की जो कि पब्लिक कंसल्टेशन से बाहर रखी गई है, जैसे कि लीनियर प्रोजेक्ट, जैसे कि रोड और पाइपलाइन जो है बॉर्डर एरियाज़ में, उन्हें यहाँ पर पब्लिक हियरिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। बॉर्डर एरिया मतलब क्या? तो ऐसे एरिया जो कि 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पर लाया करता है तो वो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में आ जाएगा। अब वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी, पब्लिक हियरिंग में नहीं लाई जाएगी। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वेल्थ क्रिएशन होगा क्या? नहीं होगा। पर एग्जाम्प्ट क्या हो रहा है? तो जितने भी इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट है, एक्सपांशन वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज है, और 2020 का जो ड्राफ्ट है ये एग्जाम करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, बिल्डअप एरिया जिनका अप टू इतना है। अब देखिए अभी फिलहाल तो ये ड्राफ्ट है, लेकिन जब इसका एक्चुअल में चीज़ें आ जाएगी तब और अच्छी तरीके से हम इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐप ड्राफ्ट में अगर देखें तो हमें ओवरऑल एक कंसर्न जो है पता चल जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में होगा ही ना कि इतना FDI हम सुनते हैं कि इतना FDI आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, इतना यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाले हैं। लेकिन जब ऐसा बोला जाता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं उसके दो दो तीन तीन साल के बाद एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल पर प्रोजेक्ट शुरू होते हुए नजर आते हैं। चाइना से बहुत सारी कंपनीज निकल रही है कि भैया हमको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रखना है, लेकिन वो वियतनाम की तरफ शिफ्ट करती है, वो इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट करती है। इंडिया में हमें क्यों नहीं आते हुए देखने को मिलते हैं? तो उसके कारण जो है यही है कि बहुत ज़्यादा क्लियरेंस होता है, बहुत ये होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का जो बिज़नेस होते हैं उसमें जितना कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतने ही बिज़नेस जो है वो फलेंगे फूलेंगे, और जितने वो फलेंगे फूलेंगे उतना ही जो हमारा जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बिल्डअप होगी, वेल्थ क्रिएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लीगल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो EIA नोटिफिकेशन जो है ये इशू किया गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसके तहत रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किए गए कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है सेटअप करने में या फिर उसका एक्सपांशन जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका एक्सपांशन करने में, मॉडर्नाइजेशन करने में। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यह हैम्पर कर रहा है? जो लोग यहाँ पर बिजनेस करने का उनके पास जो अधिकार है उसे हैम्पर कर रहा है? तो ये लीगल वैलिडिटी जो है ये अभी भी देखी जानी बाकी है, ये भी देखी जाएगी और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो तय की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टिकटॉक जो है बैन कर दिया गया, उसी के साथ साथ बाकी और 59 ऐप जो है जो चाइना से ओरिजिनेट हो रहे हैं उन्हें भी बैन किया गया है। अभी अगर आप देखोगे iOS पर और उसी के साथ साथ जो बाकी के हमें प्ले स्टोर देखने को मिलता है वहाँ पर अब आप टिकटॉक सर्च करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं, UC ब्राउज़र है, फाइल शेयरिंग ऐप है, कैम स्कैनर है जो कि बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता था, तो ये भी जो है ऐप्स है ये भी अब यहाँ पर निकाल दिए जा रहे हैं।
अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया किस तरीके से, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होती है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम मटेरियल प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, मतलब जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में देखें, तो क्या गवर्नमेंट सीधे तरीके से बैन लगा सकती है कोई भी कंट्री पर कि इस कंट्री से हम कोई भी सामान जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, ये जो मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुँच जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने देती है, अनलेस अगर आपके सोसाइटी को, आपकी कंट्री को उन प्रोडक्ट्स से कुछ खतरा हो, या फिर अगर कोई ऐसे हजार्डस प्रोडक्ट्स आ रहे हो तो उसको बैन किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बोलोगे कि इस कंट्री से जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको हमें बैन करना है, तो ये आप नहीं कर सकते हो, सरकार जो है वो नहीं कर सकती है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उन पर जो बैन लगा दिया गया है, तो फिर ये किस तरीके सरकार ने किया है? तो ये जो बैन है एनफोर्स किया गया है अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरकार के पास पावर होता है कि वो पब्लिक एक्सेस जो है बैन कर सकती है अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो। यही यहाँ पर बोला गया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया गया उसमें बोला गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें थ्रेट हो रहा है और इसी वजह से हम जितने भी चाइनीज ऐप है उसे यहाँ पर बैन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टिकटॉक देखने को मिलता है जो वाइडली इस्तेमाल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 59 जो ऐप्स है उनकी लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर दी गई है। अब ये बैन जो है वो इन्फोर्स कैसे किया जा रहा है, तो नोटिफिकेशन जो है ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बाद आएगी और जिसके तहत क्या होगा कि जितने भी ऐप्स है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऐप में कनेक्टिविटी नहीं लगती है वो ऐप अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो हो सकता है कि आप इस्तेमाल करते रहो, लेकिन ऐसे ऐप जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी लगती है वो ऐप जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आप टिकटॉक देखोगे तो वो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी लगती है और इसीलिए वो जो ऐप है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है फिर भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए कुछ ऐप जो है जो बैन किए गए हैं काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली टिकटॉक अगर हम देखें जिसके 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हमें कंट्री में देखने को मिलते हैं, अगर यूज़र्स को इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए इंडिया में बैन किए गए हैं, अब ऐसे सिनारियो में इंडिया में इतना बड़ा जो मार्केट है उसे अगर ग्राफ्स करना है तो जिसे भी ऐप डेवलपमेंट आता है उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीधा यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं ऐप बनाकर और उनको यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिल सकती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पर अब जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आए या ना आए, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का जिसे भी यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट का चीज़ें आती है वो यहाँ पर इसका फ़ायदा जो है वो उठा ले जल्द से जल्द। सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके यहाँ पर ऑफिसेज जो है वो देखने को मिल रहे थे और बहुत सारे ऐसे जॉब जो है वो भी यहाँ पर खतरे पर आ गए हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली बैन किए गए हैं तो ऑफिसेज जो है वो कोई काम के रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ पर कम हो सकती है। अब सवाल ये भी आता है कि ये जो बैन है क्या परमानेंट रहेगा? टिकटॉक जो है ये पहले भी बैन किया गया था लेकिन फिर से इसे लाया गया था, लेकिन ये जो बैन लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंक्लूड किया गया है। तो अब देखना होगा किस तरीके से बैन जो है ये अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यहाँ पर कराची अटैक के पीछे का जो मोटिव है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है विद लेटर BLA, है ना, यहाँ पर शो कर रहा है फोम आर्म्ड मैन यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अटैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है कराची में वहाँ पर देखने को मिला है। BLA ये बलोच सेशनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि हेड किया जाता है बाय UK बेस्ड मर्री के तरफ से, और पाकिस्तान जो है हैज़ लॉन्ग अक्यूज्ड इंडिया, यहाँ पर इंडिया को काफ़ी अक्यूज़ किया गया है कि वो बलोच सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट जो है उनको यहाँ पर बैक करता है, और ये जो एलिगेशन है इंडिया ने हमेशा से यहाँ पर डिनाई किए हैं। उसी के साथ साथ ये एलिग करता है कि अफगानिस्तान जो है इस मूवमेंट में उसका भी हाथ जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अटैक जो है BLA के द्वारा ये यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है सेकेंड टाइम इन कराची, पाकिस्तान बिजनेस कैपिटल लार्जेस्ट सिटी जो हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस टेररिस्ट अटैक जो है कराची में नवंबर 2018 में देखने को मिले थे, जब यहाँ पर BLA ने क्लेम किया था स्ट्राइक ऑन चाइनीज़ कंसुलेट सिटी में, जिसमें 4 लोग जो उनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2016 रिपोर्ट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है 40% स्ट्रेटेजिक शेयर जो है चाइनीज़ कंसोर्टियम को यहाँ पर सेल किए हैं, जिसमें यहाँ पर हमें चाइनीज़ फाइनेंशियल फ्यूचर्स यहाँ एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड, उसी के साथ शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो देखने को मिलता है, इसे यहाँ पर बेचे गए थे।
इसी के साथ साथ आप देखोगे ये जो पोर्शन है ना यहाँ का, ये जो पोर्शन है ये हमें बलूचिस्तान जो है वो देखने को मिलता है। अब बलूचिस्तान को हमेशा से ये आवाज़ उठती है कि बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान से फ्री कर दिया जाए। अब आप देखोगे बलूचिस्तान जो, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्यों चलती है, थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाऊँगा, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको दूंगा, जिससे कि थोड़ा आपको यहाँ पर पता चल जाए क्यों यहाँ पर बलूचिस्तान की तरफ से जो इस तरीके की मूवमेंट है पाकिस्तान में देखने को मिलती है। अब देखिए बलूचिस्तान मतलब ये वाला एरिया है मोस्टली पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामिक, ये उसका स्टेट रिलीजन है। बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो हमें इस्लामिक रूल लोग जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ बलूचिस्तान अगर आप देखोगे तो ये रिसोर्सफुल है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है रिसोर्सेज तो यहाँ से लेता है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है इस पार्ट को डेवलप करने के लिए करता है, जो बलूचिस्तान का पार्ट है उसे डेवलप करता ही नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी अंडर डेवलप्ड ये जो पार्ट है देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा खफा रहते हैं पाकिस्तान से कि यहाँ का मटेरियल यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस एरिया में वो करता है और यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ जो चाइना है वो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट जो है वो ओपन कर रहा है। अब यहाँ पर जो बलूचिस्तान है उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसी वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन जो पार्टी है, आर्मी है, वो यहाँ पर क्या करती है, मोस्टली यहाँ पर जो अटैक्स है वो यहाँ पर करती है। तो ये पूरा सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर यही चीज़ जो है वो समझाने के लिए आर्टिकल लिया है, जिससे कि आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए, जो एक बैकड्रॉप है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर, यहाँ पर डिप्लोमेसी आफ्टर गालवान ये बात की जा रही है। अब देखिए बेसिकली हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं। इसमें खास चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि अब किस तरीके की डिप्लोमेसी जो है वो हमें यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो रुख तो अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना रहा है, जिस तरीके से उसने जो ऐप से उनको बैन कर दिया है, तो उसका जो एक मोटो है इंडिया का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया हम यहाँ पर चाइना से डरने वाले नहीं है। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल, कि इंडिया जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड देखा जाए तो हमें कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स के साथ चलना पड़ता है। हम अकेले यहाँ पर पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के साथ चलना पड़ता है, और इसीलिए कुछ डिप्लोमेटिक टाइज, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो हमें यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, स्विच करने पड़ेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर गालवान के बाद जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं चाइना के साथ उसे हम यहाँ पर टैकल कर सकें। अब देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली रियलिटी जो है उसके बेसिस पर हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी अग्रेसिव रुख अपना रहा है, चाइना जो है वो सीधे तरीके से यहाँ पर जो टेरिटरी है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर यूएसए जो है उसका एक बड़ा रोल निकल कर आता है, क्योंकि देखिए तीन स्ट्रेटेजिक कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, रशिया, चाइना एंड यूएसए। और इंडिया जो है, इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन है एट प्रेजेंट सिनारियो अगर देखा जाए। उसी के साथ यूएसए के चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है, रशिया के चाइना के रिलेशंस जो है वो अच्छे हैं। अब ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो अगर हम रशिया पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो यहाँ पर न्यूट्रल रहने वाला है, वो यहाँ पर कोई हमारा साथ जो है पूरी तरीके से नहीं देगा। लेकिन यूएसए में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो उनके चाइना के साथ पट नहीं रही है, दूसरी ये है कि वहाँ पर इलेक्शंस आ रहे हैं। अब इलेक्शन में जो ट्रंप है जिस तरीके से वो अग्रेसिव था चाइना के साथ, तो अगर वो उसी तरीके से अपनाता है तो जितना भी डायस्पोरा इंडिया के तरफ है, इंडिया का डायस्पोरा यूएसए में है, वो पूरा फॉर हो जाएगा ट्रंप के लिए और काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसलिए तो हाउडी मोदी जो हमें एक इवेंट देखने को मिला था उससे जो ट्रंप है उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिला। और अब यहाँ पर यूएसए अगर पूरी तरीके से इंडिया का साथ देता है तो फिर यहाँ पर जो डायस्पोरा है उससे काफ़ी बेनिफिट ट्रंप को हो सकता है इलेक्शंस में। और इसीलिए यहाँ पर ट्रंप जो है उसे यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन फिर भी जो इंडिया है उसका साथ यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ऐसे सिनारियों में इंडिया जो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर देखिए यूएसए जो है मेजर डिफेंस पार्टनर बन के उभरा है इंडिया का, है ना। यूएस एयरक्राफ्ट यहाँ पर आप देखिए तो काफ़ी हमें ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर तैनात भी किए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, बहुत सारे एनालिस्ट जो है पॉइंट आउट करते हैं इंडिया का मैसिव पावर चाइना यहाँ पर ब्रीच करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, मिलिट्री अलायंस जो है यूएसए के साथ, वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ, वो यहाँ पर हमें डेवलप करना पड़ेगा। अब जो राजनाथ सिंह जी है वो यहाँ पर मॉस्को में गए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो रशिया और चाइना के जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमारी डिपेंडेंसी जो है रशिया पर वो हमें यहाँ पर थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि पूरी तरीके से जो फॉर हमारे साथ रहे उन कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो है हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
चाइना अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, जो कि सभी कंट्रीज़ के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और बाकी कंट्रीज जो है काफ़ी निर्भर है चाइना पर, और इसीलिए बहुत ही कम कैपिटल्स ऐसे रहेंगे जो कि अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें अपने आपको इंगेज करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर हमें उन कंट्रीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, उन कंट्रीज़ का यहाँ पर डिप्लोमेटिक झुकाव जो है वो लेना पड़ेगा जो हमें इस दौरान हेल्प करे। उसमें यूएसए जो है वो हमें बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है ना, और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का भी जो एक झुकाव, इंडिया का भी जो स्टेक है पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1962 में इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मेजर पावर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चाइना का एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है उसे अगर रोकना है तो इंडिया को अभी यहाँ पर सुदृढ़ होना पड़ेगा, उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज़ है उनके साथ मिलकर यहाँ पर चाइना के साथ वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव यहाँ पर चल सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है स्पेंडिंग आर वे आउट, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके स्पेंडिंग जो है वो करनी चाहिए, किस तरीके सारे सिनारियो होगा, इकोनॉमी इंपैक्ट जो है बहुत बुरी तरीके का हमारा होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो IMF जो है उसने एस्टिमेट किया है ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी 0-4.9% से, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर एक थियरी आ रही है, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ये हम कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो दो चीज़ें हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर है जो है केनेसियन थियरी। हालांकि मैंने आपको पहले बताई थी ये जो थियरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये थियरी जो है बेसिकली क्या बोलती है, ये थियरी बोलती है कि यहाँ पर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उन्होंने क्या करना चाहिए, जब भी यहाँ पर डिप्रेशन होता है, जब भी इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है उस दौरान सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने चाहिए और जो टैक्सेस है उनको कम करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता क्या है, सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए और टैक्सेस कम कर दिए, मतलब हो क्या रहा है, इन दोनों मूव से क्या हो रहा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है। अब मैं अगर 10 लाख कमाता हूँ, ठीक है, 10 लाख रुपये अगर मैं साल का कमा रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अगर वो टैक्स फॉर से कि इमेजिन कर लीजिए कि मुझे यहाँ पर टोटल टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए का देना पड़ रहा है, अब यहाँ पर अगर ये जो टैक्स है ये अगर सरकार टैक्स कम कर देती है, अब मुझे यहाँ पर अगर 70,000 ही टैक्स पे करना पड़ रहा है तो मेरे ये 30,000 बच रहे हैं, ये 30,000 मैं खर्च करूँगा, है ना, ये मेरे लिए बोनस है, मैं खर्च करूँगा। अब ये जो खर्च मैं करूँगा इससे सरकार को पैसा मिलेगा GST के रूप में, है ना, इससे क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है उनको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ यह है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अगर ज़्यादा खर्च करती है तो किसके लिए खर्च करेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर सकती है, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। दूसरा है कि वेलफेयर के लिए अगर खर्च करती है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा डालती है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे। इनडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, खर्च करना मतलब क्या है, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है चीज़ों की तो इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ऊपर जाएगी। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, डिमांड ही तो नहीं बढ़ रही है ना, एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, लोग कंजम्पशन नहीं कर पा रहे, कंजम्पशन नहीं कर पा रहे तो कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है, कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर इकोनॉमी नीचे आ रही है। डिमांड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए जो कैंशियन थियरी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ का यहाँ पर हमें जो सिनारियो है वो देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो जब हम इंक्रीज, कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज़ होना चाहिए फॉलोड बाय इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखा जाए तो हमें कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है कंजम्पशन, दूसरा क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि सभी खराब चल रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों खराब चल रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जब अच्छा हो जाएगा तो अपने आप कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो कंजम्पशन को यहाँ पर इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे NBFC सेक्टर अगर आप देखो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर कैश क्रंच में जा रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखिए जो बाकी चीज़ें हैं एकदम स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, एडिक्वेट लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है जॉब कट हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है जिसकी वजह से और उनके हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
इंडिया ऑलरेडी सेवरेन इंस्टीट्यूशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमें देखने को। और देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर जाती है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती है, उसी के साथ साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तब यहाँ पर और ज़्यादा इकोनॉमी जो है बिल्डअप होती जाती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो होना, ठीक है। अब आप देखोगे अगर पहले के इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो रहा था तो ये यहाँ पर होना चाहिए। इसके बॉन्ड्स निकलते हैं, मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब आप देखिए कोई भी अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है फॉर से एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है। अब यहाँ पर जो पैसा है इसके कैसे आ सकता है, एक तो लोन लिया जाए ब्रिज बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का अगर ये ब्रिज बन रहा है लोन लिया जाए, या फिर दूसरा होता है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स यहाँ पर निकाले जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये खरीदूंगा। ये बॉन्ड है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का, गवर्नमेंट बोल रही है कि 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदिए, आपको मैच्योरिटी होने के बाद यहाँ पर 2000 मिल जाएंगे, मतलब पैसा डबल हो जाएगा। मैं ये बॉन्ड खरीद लूँगा, एक साल के बाद मेरे पास पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा ही मिल जाएगा ब्रिज बनाने के लिए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो तब यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो भी बेचे नहीं जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो थियोरी है ये थियोरी समझाने के लिए मैंने चीज़ लाई है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें हैं वो हमने कई बार एक्सप्लेन की है मैंने आपको, और आपको ये चीज़ पता भी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मैप बेस्ड एक्सरसाइज में वो आपने ज़रूर लिखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।